ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 21 अप्रैल 2020 ट्यूजडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा वीक के पहले ही दिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसके मद्देनजर यूएस मार्केट भी कल दबाव के अंदर ट्रेड कर रहे थे, प्रेशर देखने को मिल रहा था साफ तौर से। और ये जो कोरोना वायरस का अपडेट जो है, ये अभी दुनिया का जो डेथ रेशियो है वो 2 लाख के करीब पहुंच रहा है, तो ये काफी दिक्कत बढ़ाने वाली बात हो सकती है। एफआईआर डीआईआई का एक्टिविटी देखे वर्सेस निफ्टी, अगर अगर आपको पता है कि एफडीआई की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने थोड़ी चेंज कर दी है, तो उससे हो सकता है कि जो एफआईआई का परचेसिंग चल रहा था कुछ दिनों से, हमने एक रिकवरी देख रहे हैं, एक बाउंस बैक देख रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर जो स्पीड है एफआईआई का बाइंग का वो फिर से कम होता हुआ नजर आ सकता है। ये एक चार्ट है एफआईआई वर्सेस एफआईआर डीआईआई एक्टिविटी वर्सेस निफ्टी। तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 दिन से ये जो रेड कैंडल है ये एफआईआई का एक्टिविटी दिखा रहा है, और ग्रीन कैंडल डीआईआई का एक्टिविटी दिखा रहा है। तो लास्ट 3 दिन से हम देख सकते हैं कि ये जो है जीरो लाइन के नीचे, यानी नेगेटिव परचेस हमें देखने को मिल रहा है, यानी सेलिंग ज्यादा हो रही है एफआईआई के तरफ से। लास्ट 3 दिन से आप देख सकते हैं नेट परचेस जो एफआईआई का है वो माइनस में है, रेड कलर में, यानी जो एफडीआई की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, तो उससे थोड़ा जो एफआईआई से हमें बाइंग देखने को मिल रही थी वो हो सकता है वहां पर एक स्लो डाउन हमें देखने को मिले। चार्ट क्या कहता है निफ्टी का ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात भी देखेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 20 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9,321, और फर्स्ट टारगेट हमारा था 9,385। निफ्टी इंडेक्स जहां पर ये ओपन हुआ 9,390, एग्जैक्ट वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था 38.2% का। तो जैसे ही वहां पर ये ओपन हुआ टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ, जैसे ही ऊपर की तरफ ये मूव ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग एक आ जाता है, तो ये टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और जैसे ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो हमारा ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसको काफी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, पेनेट्रेट कर रहा था। तो कल अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा प्री मार्केट प्लान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, एक साइडवेज जोन में मार्केट ट्रेड हो रहा था। मंडे को हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है, क्योंकि जो यूएस मार्केट्स है वो मंडे रात को यहाँ पर शुरू होते, तो मंडे का रिएक्शन जो होता है यूएस मार्केट के बाद बंद होने के बाद वो मंडे को हमें खास तौर पर दिखाई नहीं देता इंडियन मार्केट्स में। तो फिर से कल एक कंसोलिडेशन फेस था इंडियन मार्केट के लिए, आज देखते क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट कल नासडैक करीब 89 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स ने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, हरे निशान में बंद हुए थे कल। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 300 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, हांगकॉन्ग मार्केट भी देखे तो करीब 600 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर अभी इस समय 200 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल बाजार में फिर से एक बार क्रूड ऑयल के वजह से एक बार फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया था, फर्स्ट इसका जो ये रेशियो था 23.6%, यहाँ पर जब इसने ये लेवल को अचीव किया था रिकवरी करते वक्त, तो यहाँ से फिर से हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिला था।
अभी ठीक उसी तरह ये जो सेकंड पड़ाव है यानी 38.2% का, कल एग्जैक्ट 9390 का ओपनिंग था निफ्टी इंडेक्स का। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करता है इस लेवल के पास, तो यहाँ से हो सकता है अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ आए तो फिर से एक बार 8670 के पास ये सपोर्ट टेस्ट करे। ये हम वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हो सकता है इस लेवल को ये एज अ सपोर्ट, जहाँ पर इसने ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के पास, तो हो सकता है यहाँ पर ये फिर एक सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक हो। ठीक है, तो ये हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल 9390 और नीचे 8672 अराउंड इस लेवल के पास सपोर्ट बन रहा है। तो ये वीकली चार्ट का है सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में पॉजिटिव एक बात है तो वो है, वो 20 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। हालांकि कल का ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 9390, ये अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये 10,000 के करीब हमें पहुंचता हुआ निफ्टी इंडेक्स हमें दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अगर ये साउथ की तरफ आज ये मूव करता है, जैसे कि एशियाई बाजारों का हाल अभी हमने देखा, तो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन ये अराउंड 9044 के पास है, तो 9000 के करीब एक सपोर्ट हो सकता है। अगर ये 9000 को फिर से एक बार ब्रेक करता है तो ये निफ्टी इंडेक्स फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल RSI भी देखे तो मिड लाइन के पास है, यानी 50 लेवल के पास है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो RSI हमें इंडिकेट कर सकता है कि 50 जो मिड लाइन है इसके ऊपर अगर चला जाता है तो यहाँ से बाइंग हमें और बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। अदरवाइज ये 50 का ये जो मिड लाइन होता है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो मिड लाइन है, यहाँ पर ये ऊपर से जब नीचे आता है तो सपोर्ट टेस्ट करता है, ये देखिए यहाँ पर, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। तो हो सकता है एक अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस हो और इन टूवर्ड साउथ की तरफ निफ्टी इंडेक्स हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, ये फर्स्ट R के बाद ये एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, तो साइडवेज पैटर्न का अपर बैंड ऑलमोस्ट R1 के लेवल के पास बन रहा है, यानी 9358 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9388, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9430, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जैसे कि एशियाई बाजार देख रहे हैं हम लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो पहला सपोर्ट लेवल है S1 का, उसके बाद तुरंत यहाँ पर 20 EMA का ये पिंक लाइन है, तो कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है ये कहाँ नहीं जा सकता। तो जो कल का हमारा ब्रेकडाउन लेवल था, यानी ये लेवल जहाँ से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था, और इसी लेवल के पास इसने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया, तो ये लेवल काफी क्रूशियल हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, यानी 9106 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9069, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पीवट पॉइंट का S3 का लेवल जो कि 9036 के पास है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। काफी मुश्किल हो सकता है आज भी ट्रेड करना। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।